हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हम आज दो रंग के स्वेटर का डिज़ाइन लेके आए हैं बच्चों के, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए कैसे हमने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर और ये प्लेन रेड से बना लिया है फंदे डाल करके। अब इसमें देखिए कैसे बनाएंगे कि चार फंदे तो हम प्लेन, एक पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद दो तीन चार ऐसे रेड कलर से बना लेंगे और फिर एक फंदा वाइट से बनाएंगे। ऊनी उलझ गई है। चार फंदे हमने रेड से बनाए हैं और एक फंदा वाइट से बनाएंगे। फिर हमें सेवन फंदे रेड से बनाने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसके बाद वन फंदा रेड से बनाएंगे, फिर सेवन रेड से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और वन फिर रेड से बनाएंगे। उसके बाद देखिए, हमने फोर यहाँ शुरुआत में भी नहीं थे तो फोर लास्ट में भी हैं। वन टू थ्री फोर, और उल्टी सिलाई में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हमें बिल्कुल उसी तरह से करना है। जैसे फोर रेड हैं तो फोर रेड बनाने हैं। वन टू थ्री फोर, इसके बाद वन वाइट है तो इसको वाइट बनाना, और इस ऊन को ऐसे कर देंगे, इधर से ले आएंगे ताकि ये फंदा खुले नहीं, और फिर वही सेवन बनाएंगे। सेवन रेड कलर से बना लेंगे और वन वाइट से बनाएंगे। ये छोटे बच्चों के ऊपर ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। वन वाइट से बना देंगे और फिर ऐसे ही बना देंगे। उल्टी सिलाई में जो फंदे जैसे कलर से दिख रहे हैं हमें उसी कलर से बनाने हैं। अब जहाँ पे फंदा हमने एक वाइट किया है उसको हम देखिए क्या करते हैं, थ्री करेंगे। वन टू थ्री रेड बना लिए। अब ये जो वाइट वन है इसको हमें थ्री बनाना है, तो वन टू थ्री बुनेंगे और बाकी रेड से बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, और ये वाइट वाला जो है इसके फिर थ्री बनाएंगे। वन टू थ्री फिर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव रेड से बना देंगे और थ्री जो है रेड में वाइट से बनाएंगे। और उल्टी सिलाई में हमें बिल्कुल वैसे ही करना है, जो थ्री वाइट हैं तो वाइट बनाने हैं और फाइव रेड हैं तो हमें रेड बनाने हैं। देखिए उल्टी सिलाई में यही करना है हमें। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, कोई बिगनर्स भी बना सकता है इसको। ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं, थ्री वाइट और फाइव रेड। ये देखिए रॉन्ग सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, अब हमें क्या करना है कि एक वन और टू टू रेड बनाने हैं और जो तीन सफ़ेद थे उनको हमें पांच बनाने हैं। देखिए ऐसे ऊन इधर फंसा देंगे जिससे कि ढीला ढीला और ख़राब नहीं हो। वन टू थ्री फोर फाइव हो गए रेड, अब की वाइट हो गए और ये थ्री हो जाएंगे। वन टू थ्री, थ्री रेड हो गए और फाइव जो है वाइट हो जाएंगे। टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव,
और यहाँ पे लास्ट में टू बचेंगे। फिर उल्टी सिलाई में फिर वैसे ही करना है कि जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी कलर में बनाना है। ये टू है और उनको ऐसे कर देंगे और इधर से वाइट को यहाँ से लेके बिनेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे ही करना है बस। ये रेड जो है 3 रहेंगे। पूरी सिलाई में ऐसे ही करना है। बहुत ही इजी है और बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों के ऊपर। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की स्वेटर बनाइए, कैप बनाइए, किसी में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। लास्ट में टू बचे हैं। फिर देखिए राइट साइड आ, ये देखिए 5 थे तो अब ये 7 हो जाएंगे वाइट। इसी तरह से हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। 5 थे तो अब 7 हो जाएंगे, 7 वाइट हो गए और 1 रेड हो गया। 2 इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई में जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब राइट में देखिए फिर हमें क्या करना है कि पहला फंदा बिना, अब ऐसे ही 7 फंदे ऐसे ही बिनेंगे पूरे और रेड उनको नहीं लगाएंगे, रेड का फंदा उतार लेंगे। देखिए ये 7 हो गए और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। फिर इसके बाद 7 बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और इस फंदे को उतार लेंगे। फिर ऐसे बिनेंगे, इसी तरह से ये सिलाई पूरी करेंगे और इस फंदे को भी पूरा बिन लेंगे, लास्ट का फंदा। अब देखिए उल्टी सिलाई में भी हमें यही करना है कि पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बिननी है, रेड वाला फंदा जो है उसे उतार लेना है। कि देखिए इतना हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो वाइट दिख रहे हैं यहाँ पे रेड करना है, जो रेड है उसको वाइट बनाना और सेम इसी तरह से बनाना है। देखिए पहले जो है पहला, ये देखिए हमारे अब 3-3 फंदे हो गए हैं। अब जो 3 है वाइट, यहाँ पे हम 5 फंदे बनाएंगे साइड में, तो 3 हो जाएंगे हमारे। डिम्पी रुक जाओ, यहाँ पे 3 हो गए। उसके बाद देखिए फिर हमें ये 3 बनाने हैं, 1 2 3 और यहाँ पे जो 3 हैं ये हमें 5 बनाने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमें 5 हो गए और रेड वाले हमारे 3 हो जाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरह से हम ऊपर बनाते जाएंगे, 2 3 और यहाँ पे 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे 3 वाइट हो जाएंगे। जैसे साइड में यहाँ पर हमारे 3 हो गए ऐसे यहाँ पे भी वाइट हो जाएंगे। अब हम ये सिलाई कंप्लीट होती है। देखिए हम रॉन्ग साइड से आ गए हैं, तो इसमें हमें वही करना है जो फंदा में जिस कलर का दिख रहा है उसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पे जो मेरे 3 थे अब यहाँ पे हमारे 4 हो जाएंगे साइड किनारे पर, ये फंदे 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 1 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे ये 7 हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और रेड वाला 1 हो जाएगा, वाइट हमारे 7 हो जाएंगे। वाइट जो है 7 हो जाएंगे और रेड 1 हो जाएगा। और ये सीधी सिलाई बन के कम्प्लीट हो गई। अब उल्टी सिलाई में हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जो मैं जैसा दिख रहा है।
ये देखिए हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी आंखें बना देंगे ऐसे ब्लैक धागे से बना देंगे, या तो ब्लैक कलर का मोती होता है उससे भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। ये देखिए ऐसे हमें करना है, और यहाँ पर इसके नीचे ऐसे करके इसकी आईज बना देनी है। अगर मोती हो तो यहाँ पर मोती लगा देंगे, और वरना इस तरह से बना के आईज बन जाएगी। ऐसे कर देंगे, और फिर यहाँ से ऐसे। अगर ब्लैक कलर का मोती हो तो वो लगा देंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से बन के बच्चों के स्वेटर में बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से इसकी आईज बन जाएंगी। इस तरह से आईज बन जाएंगी, और पीछे ऐसे फंसा के ऐसे नॉट बना के ब्लैक धागे को हटा देंगे। अब रेड कलर से इसका मुंह बना देंगे। ये देखिए रेड कलर की ऊन से इसका ये देखिए यहाँ से रेड कलर से इसका फेस पर ये मुंह बना देंगे इस तरह से। और ऐसे पीछे ऊन फंसा के गांठ लगा देंगे, और सीजर से काट देंगे। ये देखिए बन के तैयार हो गया। अगर आप यहाँ के आँख में इसमें जगह के ब्लैक कलर की ऊन की जगह से मोती भी लगा सकते हैं, यहाँ तो भी बहुत प्यारा लगता है। और ये बन के तैयार हो जाता है, और बच्चों के स्वेटर में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हो गया, दो रंग की डिज़ाइन। ये ऊपर वाइट वाइट बना दीजिए, नीचे रेड बना दीजिए, बहुत सुंदर लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।